शहबाज भाई ने ब्रीफकेस दिया है शहराम को, उसने कमरे में रखा है, जाके ढूंढ के लाओ, मैंने मालूम करना है उसके अंदर क्या है। मैं अपने बेटे को जानती दिया, तुम वो नहीं हो, तुम तो कोई और हो। उठो यहाँ से, ये शहराम की जगह है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, फिर आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। शहराम साहब, वो आपसे एक इजाजत मांगनी थी मुझे। जी जी, कहिए। बातें तो बहुत हैं और शिकायतें भी, लेकिन अभी मैं जिस मकसद से आई हूँ आपसे वही बात करूँगी। वो आपके स्कूल का पता चला था मुझे, मैं वहाँ गई भी थी। मेरी ख्वाहिश है अगर मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ा सकूँ तो। बिल्डिंग अभी पूरी बनी नहीं है मगर स्कूल अभी तैयार नहीं हुआ। तो वाकई कुछ भी नहीं पता इस बारे में, लेकिन आपने कहा है तो मैं कल जाके जरूर देखूंगा उसे। तो मैं वहां बच्चों को पढ़ा सकती हूँ या नहीं? आए आए छोटे अम्मी आए, आप बाकी बातें इनसे पूछ लीजिए। मम्मी, मेरे कमरे में पानी प्लीज भिजवा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तुम कौन हो? मेरा नाम महनूर है, मैं मुराद साहब के बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं, उनकी बेटी हूँ। रऊफ नाम है उनका। रऊफ, मैं पहले भी आया था, किसी ने मुझे दरवाजे से ही वापस भेज दिया ये कहकर के शहराम किसी से मिलना नहीं चाहता। तो आप मेरा पूछ लेते, अब शहराम तो बच्चा है और इतना गमजदा रहा है। रहा क्या है, सख्त मायूस है, हम सारे ही हैं। आपको तो पता है कि बिछड़ने वाले का दुख बस आसानी से जान नहीं छोड़ता। मुझे ही देख ले। जी जी, मैं समझ सकता हूँ कितना मुश्किल वक्त है आपके लिए। मैं तो कब से आपके आने की राह तक रहा था। जो राह तकते हैं तो राह के बीच में अपनों को वापस नहीं भिजवा देते। मैं तो मिलना चाह रहा था लेकिन तुम कैसी बातें कर रहे। ऐसे हो सकता है कि हम एक शहर में हो, मैं आपसे ना मिलूं? इसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, बैठे। जी जी जी, आइए 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 आइए। शहराम, एक बात बताओ कि कभी मुराद की जिंदगी में तुमने उसके किसी फैसले पर सवाल उठाया था? कभी भी नहीं। जिसको जिंदगी में तुमने चैलेंज नहीं किया, मरने के बाद उसे चैलेंज करोगे? समझ गई है चचा जान। इस वसीयत में जो चीजें तुम्हें सौंपी गई हैं वो भाभी और दुनिया वालों के लिए शायद कागज के चंद टुकड़े होंगे, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारे माँ बाप के ख्वाब हैं जिन्हें सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो। जो स्कूल की तामीर हो रही है उसका खाका है। शहबाज भाई ने ब्रीफकेस दिया है शहराम को, उसने कमरे में रखा है, जाके ढूंढ के लाओ, मैंने मालूम करना है उसके अंदर क्या है। अगर वो आ गए तो? नहीं आएगा, अभी बाहर ही है, जाओ तो सही, जल्दी करो। अरे शहराम, कैसे हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? ये फूल सजा रही हूँ, मुझे लगा इस कमरे में ना फ्रेशनेस की जरा कमी है। वैसे शुक्र है आप इस कमरे से निकले तो सही। खाला जान बता रही थी कि आप वर्कआउट शर्कआउट किया करते थे, अगर आप वापस रूटीन में आ जाए ना तो मुझे भी वर्कआउट पार्टनर मिल जाए।
मैं तो हवेली में आके ना सुस्ती हो गई हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन प्लीज आप ये सब कुछ मत किया करें। मैं अपने काम खुद करने का आदी। वो लड़की क्या कह के गई है तुमसे? अनूर गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती है। काफी डेडिकेटेड है, अच्छी बात है। और मैं जिसको वहां पे होना चाहिए मैं नहीं हूं। कितने शर्म की बात है। फिर वही बात, देखो सब कुछ तुम ही ने करना है ना, इतनी जल्दी क्या है? ठीक है, अब तुमने इरादा कर लिया तो कल चले जाना। मेरा तो ख्याल था कुछ दिन और आराम करते, तबीयत ठीक नहीं है अभी तुम्हारी, बहुत कमजोर हो। लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं खाना भिजवाती हूँ तुम्हारे कमरे में, खा के और बस आराम कर। अब मेरी मेघा, अब कौन उठो? मैं आपका बेटा शहराम। बोले मैं अपने बेटे को जान दिया, तुम वो नहीं हो, तुम तो कोई और हो। क्या कह रही हैं आप अम्मी? आप मुझे भूल कैसे सकती हैं अम्मी? मैं शहराम, आप मुझे पहचान कर ही रही? शहराम अम्मी, अम्मी आपका अम्मी, शहराम वैसे आपसे एक बात कहूं, एज अ फ्रेंड। जी। आप ना मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं, अपने दिल की कोई भी बात कह सकते हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे कहिए, आपको कहीं जाना भी हो ना तो मैं आपके साथ चलूंगी। मैं आपकी सिचुएशन से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता आपकी सिचुएशन को। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सीनत, सीनत, एक एक बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ। राम, इतने दिनों बाद, आजा आजा। मैंने सोचा आज थोड़ा बाहर निकलूँ, आप लोगों के साथ ही खाना खा लूं। तो मैं तुम्हारा खाना यहाँ मंगवा लेती हूँ, सलीम को बुलाओ। नहीं 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 नहीं, इट्स ओके, जो भी आप लोग खा रहे हैं मैं नहीं। हाँ जरूर। ए उठो यहाँ से, ये शहराम की जगह है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, बैठे रहो। Thank you so much. अब बैठ जाओ। शैला, कोफ्ते पकड़ाओ शाम साहब को, बहुत मजे की बने हैं। जी जी जी। और
तबरेज, कैसा जा रहा है काम तुम्हारा? ठीक चल रहा। जो गांव वाले बता रहे हैं उस लिहाज से तो मेरा ठीक नहीं जा रहा। काफी परेशान है लोग यार, काफी वक्त से उनके घर राशन नहीं पहुंच रहा। वो जान जब जिंदा थे उस सब तो ऐसा नहीं होता था। आपसे इतना शर्मिंदा हूं कि मैं को बता नहीं सकता। उस दिन भी अचानक तबीयत खराब हो गई और हमारी बात बीच में ही रह गई। आई एम सो सॉरी। आप ठीक है ना? जी बेहतर। मैंने कई दफा सोचा कि आपकी तबीयत के बारे में मालूम करूं लेकिन कुछ पता नहीं चला। तबीयत में ऊंच नीच तो चलती रहती है लेकिन इसकी वजह से जिम्मेदारियों से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता। क्या हुआ? खुशी हुई आपकी बात जानकर। आपकी तबीयत लेकिन ठीक नहीं है तो हम किसी और दिन बात कर लेते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, आपने इतना इंतजार किया और पहले भी हमारी बात अधूरी रह गई थी, आज मैं नहीं चाहता बात अधूरी रहे, सो आज ही करते हैं। अजमल चाचा ठीक भरोसा करते हैं आप पर। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन आपके मामले में किसी की नहीं सुनते वो। ये तो उनका प्यार है, वरना मैं इस काबिल नहीं। आप तो कह रही थी कि वो मामूली सी लड़की है तो फिर शहराम उससे बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है। तुम ये देखो जरा, पिंक वाला सूट निकालो। और शहराम साहब वो कल से आ जाओ। जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, खुदा हाफिज। कल से तो नहीं, तैयारियां भी तो करनी। आप वो परसों से आ जाओ। अब वो कल कुछ तैयारियां भी करनी होगी ना, इसलिए परसों। परसों से आ जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। सुनी, आप कहिए। नहीं प्लीज, आप बोलिए। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो अच्छा, फिर आप पक्की बात करें ना, अब प्रॉमिस करें। आप वो मेरा नंबर ले लीजिए प्लीज। कोई भी बात हो आप डायरेक्टली मुझसे। आप खुद इसमें लिख दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म की भी परेशानी। थैंक यू, थैंक यू। हम कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं बल्कि। अरे वो